फ्रेंड्स, अगर आप भी ब्राउज़र का यूज बड़े स्लो तरीके से करते हैं, आपको ब्राउज़र पर कोई भी काम करने में घंटों लग जाता है, तो आप टाइम नहीं लगेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम के 30 से भी ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज करके आप अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इन सब शॉर्टकट का यूज करके आप एक प्रो ब्राउज़र की तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि अब गूगल क्रोम का यूज़ लगभग सभी लोग करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कम्युनिटी मिट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के कम्युनिटेड वीडियोस डालता रहता हूं। सबसे पहले तो अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और अब मैं जितने भी सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा उन सब का यूज आप गूगल क्रोम के अलावा मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी कर सकते हैं। कुछ कुछ शॉर्टकट्स वहां पर भी काम करेंगे, तो चलते हैं फटाफट शॉर्टकट्स की ओर। तो सबसे पहला शॉर्टकट्स है, अगर आपको ब्राउज़र पर एक न्यू विंडो ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन और एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर टू, अगर आपको ब्राउज़र पर एक न्यू इनकॉग्निटो मोड में एक न्यू विंडो ओपन करना है, यानी कि एक प्राइवेसी मोड में एक न्यू विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एक साथ प्रेस करना और एक इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर थ्री, अगर आपको ब्राउजर पर एक न्यू टैब में रहते हुए दूसरे न्यू टैब को ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस टी और एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर फोर, मान लीजिए कि आप गलती से किसी भी टैब को क्लोज कर देते हैं रिसेंटली, जैसे कि मैंने इसे क्लोज किया, तो अब मुझे इसे ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी और लास्ट क्लोज किए गए टैब को आप ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर फाइव, इसका यूज आप ब्राउजर पर एक टैब में रहते हुए आगे के टैब में जाने के लिए कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करना है और आप आगे के टैब में जा सकते हैं। और सेम उसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं तो आप पीछे के टैब में आ सकते हैं, और इन दोनों का अल्टरनेटिव है कंट्रोल प्लस पेज डाउन और कंट्रोल प्लस पेज अप। तो अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो आप आगे के टैब में जा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस पेज अप करते हैं तो आप पीछे के टैब में आ सकते हैं। शॉर्टकट नंबर सिक्स, किसी भी करंट टैब या वेब पेज पर रहते हुए किसी दूसरे नंबर वाइज पेज पर या किसी भी साइट पर जाना हो तुरंत, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जिस साइट पर जाना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे चौथे नंबर वाले टैब पर या साइट पर जाना है, तो बस कंट्रोल प्लस फोर पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप चौथे नंबर वाले पेज पर आ जाएंगे। उसी तरह अगर आपको पहले नंबर वाले पेज पर जाना है तो सेम कंट्रोल प्लस वन पर क्लिक करेंगे और पहले नंबर में जो पेज या साइट खुला होगा उस पर आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर वाइज पेज पर जा सकते हैं। शॉर्टकट नंबर सेवन, अगर आपको ब्राउजर की होम पेज पर यानी कि स्टार्टिंग पेज पर तुरंत जाना हो किसी भी करंट खुले हुए टैब या पेज पर रहते हुए, तो आपको बस अल्ट प्लस होम पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप तुरंत होम पेज पर आ जाएंगे। शॉर्टकट नंबर एट, इसका यूज आप विंडोज के साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करना है और यह बड़ा होता जाएगा। उसी तरह अगर आपको छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस पर प्रेस करेंगे और यह छोटा हो जाएगा। अब आप कुछ ज़्यादा छोटा या बड़ा कर चुके हैं और आपको बाय डिफॉल्ट जो पहले सेट था उस पर जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जीरो पर क्लिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट जो पहले से सेट है उस पर आप चले जाएंगे। शॉर्टकट नंबर नाइन, इसका यूज आप बुकमार्क बार को शो और हाइड करने के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप बुकमार्क बार सामने में खुला रहेगा तो आप किसी भी करंट टैब या पेज पर रहते हुए दूसरे अपने फेवरेट साइट को खोल सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बुकमार्क शो हो चुका है। उसी तरह अगर आपको इसको हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दोबारा क्लिक करेंगे और यह हाइड हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर टेन, इसका यूज आप किसी भी पेज पर फाइंड बार टूल लाकर किसी भी वर्ड या सेंटेंस को खोजने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वेब पेज है और इसमें मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सेंटेंस को खोजना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ऐप पर क्लिक करना है और एक फाइंड वर्ड टूल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने सर्च किया इस वेब पेज पर और जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी वेब पेज पर किसी भी चीज़ या किसी भी सेंटेंस या वर्ड को खोज सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 11, अगर आपको ब्राउजर की बुकमार्क मैनेजर को ओपन करना है क्विकली, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ पर प्रेस करना है और ब्राउजर मैनेजर खुल जाएगा, जहां में आप सारे ब्राउजर्स को देख सकते हैं जो आपने सेव कर रखे हैं। शॉर्टकट नंबर 12, इसका यूज आप ब्राउजर पर रहते हुए किसी भी साइट या वेब पेज पर रहते हुए ऊपर की जो सर्च बॉक्स है इस पर आपको सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस के पर क्लिक करेंगे तो ऊपर के सर्च बॉक्स पर आप कुछ भी इस पेज पर रहते हुए सर्च कर सकते हैं, या इसका अल्टरनेटिव कंट्रोल प्लस ई पर भी क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 13, अगर आपको ब्राउजर पर
हिस्ट्री ओपन करना है क्विकली, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एच और आप ब्राउजर पर तुरंत क्विकली हिस्ट्री ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 14, इसका यूज आप ब्राउजर पर खुले हुए करंट पेज को या साइट को बुकमार्क के तौर पर सेव करने के लिए कर सकते हैं। तो ये है मेरा ब्लॉग, अगर आप मेरे ब्लॉग पर रेगुलरली विजिट करते हैं तो आपको टेक न्यूज़ मिलता रहेगा। तो अब टेक न्यूज़ मिल रहा है तो आप चाहते हैं कि इसे बुकमार्क बना लूँ ताकि बाद में मुझे खोजना ना पड़े, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है और यह फेवरेट साइट आपका बुकमार्क बन जाएगा। शॉर्टकट नंबर 15, ब्राउजर के डेटा को क्विकली क्लियर करने के लिए वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, एक साथ प्रेस करने से आप ब्राउजर के डेटा को क्विकली क्लियर कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 16, गूगल क्रोम या किसी भी दूसरे ब्राउजर को डायरेक्टली क्लोज करना है तो उसके लिए अल्ट प्लस F4 पर क्लिक करना है और ब्राउजर तुरंत क्लोज हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 17, इसका यूज आप करंट टैब को क्लोज करने के लिए कर सकते हैं। मान के चलिए आप कोई भी टैब पर हैं उससे आपको क्लोज करना है, तो आपको बस प्रेस करना है कंट्रोल प्लस W, ये इसका अल्टरनेटिव है कंट्रोल प्लस F4 और वह करंट टैब क्लोज हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 18, इसका यूज आप ब्राउजर पर किसी भी खुले हुए पेज को ऑफलाइन सेव करने के लिए कर सकते हैं ताकि उसे ऑफलाइन पढ़ सके। तो आप जो भी पेज पर हैं उस पर जाके बस आपको कंट्रोल प्लस एस पर क्लिक करना है और एक सेव का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे आप उसे बाद में ऑफलाइन रीड कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 19, अगर आपको किसी भी वेब पेज या साइट को रीलोड करना है या कुछ एरर आ रहा है और रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। जैसे आप कंट्रोल प्लस आर क्लिक करेंगे वह साइट या वेब पेज रीलोड हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 20, ब्राउजर पर किसी भी वेब पेज या किसी भी साइट के नन एडिट HTML यानी कि व्यू पेज सोर्सेस को देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। जैसे आप कंट्रोल प्लस यू पर क्लिक करेंगे उस साइट या उस वेब पेज के HTML कोड को देख सकते हैं जो नन एडिट HTML कोड है। शॉर्टकट नंबर 21, इसका यूज आप क्विकली किसी भी पेज के नीचे जाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रॉल से नीचे करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट है जैसे आप एंड पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस पेज के नीचे चले जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 22, अगर आप किसी भी वेब पेज को फुल स्क्रीन करके यानी कि अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन करके देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट है बस फंक्शन की का फंक्शन 11 यानी कि F11। जैसे आप प्रेस करेंगे आपका वो ब्राउजर फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसी तरह अगर आप फुल स्क्रीन ऑफ करना चाहते हैं तो सेम फंक्शन 11 प्रेस करेंगे और दोबारा उस तरह का आ जाएगा जिस तरह का पहले था। शॉर्टकट नंबर 23, अगर आपको किसी भी वेब पेज के नीचे आना है, अगर आप माउस से स्क्रॉल करना नहीं चाहते हैं और कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट है पेज डाउन। जैसे आप पेज डाउन पर क्लिक करते जाएंगे उस पेज के आप नीचे चलते जाएंगे। उसी तरह अगर आपको इस पेज के ऊपर आना है धीरे धीरे तो उसके लिए शॉर्टकट है पेज अप। जैसे आप पेज अप पर जिस तरह क्लिक करेंगे आप उस पेज के ऊपर चलते जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 24, अगर आप कई सारे साइट और वेब पेज को खोल चुके हैं और चाहते हैं कि सब एक बार में बुकमार्क में सेव हो जाए एक फोल्डर बन के, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। जैसे आप प्रेस करेंगे एक फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप न्यू फोल्डर बना के सारे साइट को एक साथ बुकमार्क पर सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 25, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट को यानी कि ID को देख सकते हैं या तो फिर आप गेस्ट मोड पर भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 26, अगर आपको कुछ भी गूगल के हेल्प सेंटर पर जाना है या गूगल से कुछ हेल्प लेना है तो उसके लिए है F1। जैसे आप फंक्शन F1 पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू टैब पर गूगल के होम पेज सेंटर पर चले जाएंगे जहाँ से आप अपने सवाल अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं देख सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 27, अगर आपको डाउनलोड मैनेजर या जो जो डाउनलोड किए हैं उसे देखना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस J प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आप डाउनलोड मैनेजर पर चले जाएंगे और वहां से आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया और क्या क्या डाउनलोड हो रहा है। शॉर्टकट नंबर 28, इसका यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है, शिफ्ट प्लस स्कैप यानी कि ESC। अगर आप शिफ्ट प्लस स्कैप पर क्लिक करते हैं तो आप गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर पर चले जाएंगे और वहां पर देख सकते हैं कि गूगल क्रोम पर एक्चुअली क्या क्या चल रहा है। यहां से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके गूगल क्रोम पर क्या क्या रन हो रहा है एक्चुअली। शॉर्टकट नंबर 29, अगर आपको क्विकली ब्राउजर के डेटा को क्लियर करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसे आप प्रेस करेंगे आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा के एक सेक्शन पर चले जाएंगे और वहां से आप अपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा को कर सकते हैं जैसे आप हिस्ट्री क्लियर करते हैं। शॉर्टकट नंबर 30, इसका यूज आप डेवलपर ऑप्शन यानी कि डेवलपर टूल्स को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके डेवलपर पेज पर चले जाएंगे। इसका अल्टरनेटिव है फंक्शन F12। यहां से आप इसके डेवलपर मोड पर चले जाएंगे और यहां से आप कोडिंग वगैरह कुछ भी देख सकते हैं किसी भी साइट के। शॉर्टकट नंबर 31, इसका यूज आप किसी भी लिंक या किसी भी वेबसाइट के पेज के लिंक को बुकमार्क के तौर पर सेव करने के लिए कर सकते हैं। तो बुकमार्क के लिए तो या तो आप इस स्टार बनाकर रख सकते हैं, बुकमार्क बन जाएगा। आप जिस लिंक को बुकमार्क बनाकर रखना चाहते हैं साइट को, तो बस जैसे कि यह लिंक है आपको बस कंट्रोल प्लस शिफ्ट पर होल्ड करना है और इस लिंक को होल्ड करते हुए सीधे बुकमार्क बार पर रख देना है और यह बुकमार्क बार पर सेव हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 32,
अगर आप किसी भी लिंक या किसी भी वेब पेज के लिंक को या किसी भी साइट के लिंक को एक न्यू विंडो में, ना कि एक न्यू टैब, एक न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए शिफ्ट को होल्ड करना है और उसके बाद जिस लिंक को आप एक न्यू विंडो में खोलना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और एक न्यू विंडो में वह लिंक खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे गूगल क्रोम के कीबोर्ड शॉर्टकट, और इन सारे शॉर्टकट का यूज करके आप किसी भी ब्राउजर पर फास्टली ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स गूगल क्रोम के अलावा मोजिला फायरफॉक्स और भी दूसरे ब्राउजर पर काम करेंगे। और अगर आप इन सारे शॉर्टकट का एक लिस्ट वाइज चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिस्ट वाइज सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।